बेगूसराय की अवामी रहमत तहरीक की। जुम्मे वाले दिन हमें पता चला एक पुलिस मुकाबला हुआ है। पहले तो ये बताया जाए कि ये पुलिस मुकाबला कैसा था, जिसमें मुलजमान जो मुजरिम थे उनके पास ना बम था, ना बारूद था, ना राइफल, ना रिपीटर, ना कोई हथियार, कोई भी एक डंडा तक नहीं था, और दूसरी तरफ हमारी सिंध पुलिस का एक गाड़ी का शीशा भी नहीं टूटा। ये किस तरह का पुलिस मुकाबला था, पहले तो ये बात ही मुझे नहीं समझ आती। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये सराय की गैंग थे, तो सबसे पहले मैं अपने आईजी साहब से अपील करती हूँ, जो साउथ एसएसपी साहब थे जुबैर नज़ीर साहब, इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इनके दिमाग का इलाज करा जाए। आप अगर बलोच मुजरिम होता है, वो पंजाबी अगर मुजरिम होता है, कोई पठान मुजरिम होता है, तो क्या कहते हैं कि हम उसका पूरा ख़ानदान, उसकी पूरी नस्ल, उसका पूरा जो सारा है वो मुजरिम है या वो गैंग है, हम उसको ऐसे कहेंगे? ये बिल्कुल सराय, ये वो जो एसएसपी साहब थे उनके दिमाग में सरायकियों के लिए एक नफ़रत है, ये उनका बिल्कुल इलाज कराया जाए। और कराची के अंदर 30 से 40 लाख सरायकी मौजूद हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियां पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे बहुत फ़ख्र के साथ कहते हैं कि जी मैं सरायकी हूँ, हाँ मैं सरायकी हूँ। तो आप उनके लिए क्या, ताकि लोग उनसे नफ़रत करें, उनको बोले हाँ ये सरायकी गैंग है, इस तरीके से बोले? मैं समझती हूँ कि ये सियासत है, जैसे वहाँ वसेब में चीमा चौधरी, वडेरे, पीर, फकीर सारे जो भी मिलके हमारे साथ वहाँ पे कर रहे हैं, वो उन्हीं की ये साजिश है। हमें वहाँ पे भी बहुत हमारे साथ जबर हो रहा है, और इसी तरीके से वो चाहते हैं कि कराची में भी ये लोग सुकून से ना बैठे। लेकिन हमारा कल भी ये नारा था, हमारा आज भी ये नारा है, सरायकिस्तान हमारा बिल्कुल सूबा है और हम ले कर रहेंगे। बहुत शुक्रिया।